में बराबर है आपने। चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज हम थोड़ी बहुत ये ग्रहों की बात है उसकी बात करेंगे कि सूर्य विमान विमान सूर्य विमान चंद्र विमान सब अलग अलग जो भी हमारे विमान है, इसको तो हम विमान के रूप में ही जानते हैं आगम में। तो ये विमान घूम रहे बराबर आकाश में, ये नियत समय से नियत समय के अंदर घूम रहे हैं। जैसे कि हर 24 घंटे में सूर्य विमान आपको एक उसका आधा चक्र पूरा करेगा। दो सूर्य है तो एक सूर्य आधा चक्र पूरा करेगा, दूसरा आधा। तो इस प्रकार से 2 दिन में पूरे जम्बू द्वीप के एक सूर्य 2 दिन के अंदर एक चक्र लगा के वापस आएगा। तो ये जो चक्र लगा रहा है, जो घूम रहा है, वो किस कारण कैसे घूम रहा है, तो उनका विमान सूर्य और चंद्र दोनों का विमान 16,000 देव कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 16,000 देव। 16,000 देव, मतलब कि हर एक दिशा में 4,000 देव है हर एक दिशा में। और उसके बाद ग्रह की बात की, सूर्य चंद्र इंद्र है तो उनको उनका विमान भी बड़ा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। और ग्रह नक्षत्र है उनके विमान छोटे हैं इसलिए आपको बहुत छोटे बिंदु के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। बराबर, ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, सब नज़दीक नज़दीक ही आसपास ही है। तो अलग अलग साइज होगी तभी आपको कोई बिल्कुल छोटा और कोई बड़ा दिख रहा है, बराबर ना। बराबर हाँ, बाकी है तो सब ज्योतिष चक्र के अंदर 10-10 योजन छोड़ के ही है, लेकिन सूर्य चंद्र के बिंब बहुत बड़े हैं तो उनको 16,000 देव चाहिए। ग्रह विमान को 8,000 देव चाहिए और नक्षत्र विमान का वहन करने के लिए 4,000 देव और तारा विमान का वहन करने के लिए 2,000 देव, बराबर। हाँ, तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये दुगुने चार गुने होते जाते हैं विमान विमान को वहन करने वाले देव। जितना विमान बड़ा होगा उतने उनके देव ज्यादा चाहिए वहन करने के लिए। अब हर एक विमान के, फिर ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारा हो या सूर्य चंद्र हो, हर एक विमान में पूर्व दिशा में जो देव है वो सिंह स्वरूप के है। कैसे? पूर्व में सिंह, वो देवों का जो जो सूर्य चंद्र विमान के 16,000 देव है तो 4,000 चार दिशा में हो गए। तो उनके जो देव हैं पूर्व दिशा के सिंह, दक्षिण दिशा में जो देव है वो महाकाय हाथी के रूप में, बड़ा बड़े एकदम बड़े से बड़े हाथी। पश्चिम दिशा के जो देव है वो बल बैल के रूप में, और उत्तर दिशा में जो देव है वो है घोड़े अश्व के रूप में है। ठीक है, तो ये चार रूप में, ये सारे देवों का आकार ही ये रूप का, सिंह स्वरूप है, महाकाय हाथी का स्वरूप है, बैल का स्वरूप है और घोड़े का स्वरूप। अब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा एक-एक से एक-एक तेज गति से चल रहे हैं। ठीक है, मतलब चंद्र सबसे कम गति में, उससे ज्यादा गति सूर्य की, उससे ज्यादा गति ग्रह की, उससे ज्यादा गति नक्षत्र की, और तारा तो उससे भी ज्यादा गति वाले, मतलब सबसे तेज तारा है और सबसे कम गति चंद्र की। अब तारा नक्षत्र ग्रह सूर्य चंद्र ऐसे एक के बाद एक, लेकिन देखो जिसकी स्पीड ज्यादा है ना उसकी रुद्धि कम है, बराबर। आप ऐसे याद रखना, जो स्पीड में सबसे ज्यादा तारा, पर उसकी जो रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए वो देव उनके होने चाहिए, तो वो तो बहुत कम, मुश्किल से 500 देव। कितने देव? एक दिशा के, 500 देव एक दिशा में 500, दूसरे में 500, तीसरे में 500, चौथे में 500, टोटल 2,000 देव। उसके बाद है नक्षत्र, नक्षत्र की रिद्धि तारा से थोड़ी ज्यादा हो गई, स्पीड उसकी तारा से कम है, तारा से थोड़ी स्पीड कम है लेकिन रिद्धि ज्यादा है। और उसके जो देव हैं वो है 4,000 देव, मतलब हर एक दिशा में 1,000 डबल देव हो गए। उसके बाद है ग्रह, ग्रह की गति और कम है, वो 2 से कम है लेकिन देव इनके 8,000 है, मतलब हर एक दिशा के 2-2,000 देव। उसके बाद आ रहा है सूर्य, सूर्य की गति ये सबसे भी कम है,
जो तारा नक्षत्र है दोनों से कम, सूर्य की गति और ग्रह तीनों से कम, मगर उसकी जो उसका जो वहन कर रहा है वो, अरे पहले ग्रह की बात, ग्रह विमान का वहन कर रहे हैं 8,000, मतलब हर एक दिशा के 2,000 बराबर, हर एक दिशा में 2,000 देव। और सूर्य चंद्र की बात की है तो 16,000, यानी कि एक एक दिशा में 4,000। इनकी रिद्धि सिद्धि सबसे ज़्यादा है, जिसकी गति सबसे कम है उसकी रिद्धि सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अब ये तो पूरा ग्रह का पता चल गया, अब नक्षत्र की रचना की बात है। नक्षत्र की रचना में अभिजीत नक्षत्र सर्व से अंदर, मतलब शुरुआत का नक्षत्र गिनना है, और जो पूरे नक्षत्र चक्र का एरिया है उसमें भी वो सबसे अंदर के भाग में है, अंदर के भाग में, और जो सबसे सब नक्षत्रों के बाहर जो नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र, वो सारे 28 नक्षत्रों में सबसे बाहर है। अच्छा, जो नक्षत्र की रचना है, नक्षत्र पट की पूरे ऐसे गोल पट्टी के रूप में, जैसे टायर होता है ना ऐसा गोल बड़ा चक्र होता है टायर की जैसा, तो उसमें सबसे ऊपर में तारा है वो है सबसे ऊपरी तारा। हाँ, ध्रुव का तारा? नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने नक्षत्र की बात कर रही है, तो ध्रुव का तारा तो तारा में आ गया, ध्रुव का तारा तारा आ गया, ये नक्षत्र में भी तारा से ही बनता है ना। हाँ। नक्षत्र के भी हर एक के तारे हैं, हमने पहले पढ़ लिया, एक एक के अलग 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 संख्या के तारे हैं। तो इसमें जो है वो नक्षत्र सबसे ऊपर मूल नक्षत्र है, सबसे बाहर मूल नक्षत्र है, सबसे ऊपर स्वाति नक्षत्र है, और सबसे नीचे भरणी नक्षत्र है, बराबर। अब सूर्य और चंद्र के बीच में ही सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, सूर्य और चंद्र के बराबर नीचे और बराबर ऊपर तारा होते हैं, बराबर सूर्य चंद्र और सूर्य के बराबर नीचे भी तारा है और ऊपर भी तारा, तारा दोनों जगह, जो ज्योतिष चक्र है ना उसमें तारा दोनों जगह। उसके बाद ताराओं के परस्पर झघन्य अंतर 500 धनुष, मतलब कि एक तारे से दूसरा तारा 500 धनुष कम से कम हो गया, झघन्य यानी कम से कम अंतर, 500 धनुष से अंदर कोई भी तारा नहीं होगा, दो तारा साथ में नहीं होते, 500 धनुष के बाहर ही होगा, एक तारे से दूसरा तारा 500 धनुष से बाहर ही होगा। और उत्कृष्ट मतलब 4,000 धनुष, ये दो गांव से तो दूर, एक तारे के बाद दूसरा तारा होगा ही होगा, बराबर। हाँ, 2,000 धनुष के दूर तो होगा ही होगा, पर 500 से अंदर नहीं होगा और 4,000 से बाहर नहीं होगा, आपको ये याद रखना, दो गांव 4,000 यानी दो गांव। हाँ, तो 4,000 धनुष से बाहर दूर एक तारा दूसरा तारा होता ही नहीं है, और वो 500 धनुष के अंदर भी नहीं होते। व्यवधान की अपेक्षा से ताराओं का अंतर झघन्य 266 योजन और उत्कृष्ट से 12,242 योजन कहा गया है, ये व्यवधान की अपेक्षा से है। तारा जब व्यवधान होता है ना, जब टूटता है तब की बात। चंद्र योग की 67 खंडित अहोरात्रि, ध्यान दीजिएगा, ये 67 अहोरात्रि पर खंडित, कैसी खंडित और अहोरात्रि लिखा है, ये समझ में आया नहीं, ये मुद्दा बहुत समझ में, खंडित अहोरात्रि, अहोरात्रि कभी खंडित होती है क्या? ना, अहोरात्रि का मतलब पूरी एक रात हो गई ना। हाँ तो खंडित तो नहीं होगी ना। नहीं। हाँ तो 67 पर 67 पूरी ना हो तो खंडित कहा जाएगा, 67 पूरी नहीं, 67 पूरी नहीं होती है अहोरात्रि, बराबर, खाली 21 अहोरात्रि होती है, 5 साल में 67 अहोरात्रि होनी चाहिए, हर एक नक्षत्र की 67 अहोरात्रि होनी चाहिए, बराबर। लेकिन एक नक्षत्र ऐसा है अभिजीत नक्षत्र जो चंद्र के साथ 67 अहोरात्रि खंडित होके रहता है, खंडित होके, 67 अहोरात्रि नहीं रहता है लेकिन खंडित होके रहता अहोरात्र के लिए ही है। उसके बाद शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाति और ज्येष्ठा,
ये छह नक्षत्र 15 मुहूर्त रहते हैं चंद्र के साथ, मतलब आधी रात ही खाली खाली रात्रि, पूरी अहोरात्र नहीं, ओके। और तीनों उत्तरा पुनर्वसु रोहिणी विशाखा, ये छह नक्षत्र चंद्र के साथ 45 मुहूर्त का संयोग करते हैं, मतलब डेढ़ दिन। और बाकी के 15 नक्षत्र चंद्रमा के साथ 30 मुहूर्त का संयोग करते हैं। 30 मुहूर्त का अर्थ हो गया पूरी अहोरात्र, ठीक है। अब सूर्य की बात की है, सूर्य अभिजीत नक्षत्र सूर्य के साथ 4 अहोरात्र 6 मुहूर्त तक रहता है। फिर जो 6 नक्षत्र जो अर्ध क्षेत्रीय नक्षत्र है खाली सिर्फ, तो उसके साथ सूर्य 6 अहोरात्र 21 मुहूर्त तक रहेगा। उसके बाद तीनों उत्तरा नक्षत्र रोहिणी पुनर्वसु विशाखा, ये 6 नक्षत्र जो डेढ़ दिन के हैं डेढ़ क्षेत्रीय, उसके साथ 20 अहोरात्र और 3 मुहूर्त तक सूर्य प्रत्येक नक्षत्र के साथ भ्रमण करेगा। और बाकी के 15 जो नक्षत्र है वो 13 अहोरात्र और 12 मुहूर्त तक सूर्य के साथ भ्रमण करेंगे। ये सूर्य के साथ नक्षत्र कब रहेगा, किसके साथ होगा, आज सूर्य के साथ वो 10 दिन के बाद हो गया या 11 दिन रहा या आज 12वां दिन है, ये गिनती के लिए, ये सारा पंचांग बनाने के लिए ये काम आता है, ठीक है। अब दो चंद्र दो सूर्य, देखो जम्बूद्वीप में कितने हैं, दो सूर्य दो चंद्र, तो 56 नक्षत्र 176 ग्रह, ये सारा जम्बूद्वीप के ऊपर है, भगवान ने ये कहा। ये आपका देविंदथो में 109वीं गाथा है, 109 से लेके 126। उसके बाद 133,950 कोड़ा कोड़ी, कितने इतने करोड़ को इतने करोड़ से गिनो तो असंख्यात हो गए, उतने तारे जम्बूद्वीप में होते, क्योंकि जम्बूद्वीप इतना बड़ा 3 लाख की परिधि वाला, और हर 500 योजन के बाद एक तारा है, आपने पढ़ा ना अभी, 500 धनुष के बाद, योजन भी नहीं, 500 धनुष के बाद आपने पढ़ा ना अभी, आओ लवण समुद्र में 4 चंद्र 4 सूर्य 112 नक्षत्र 352 ग्रह, ऐसे ही घातकी खंड में 12 चंद्र 12 सूर्य 336 नक्षत्र 1056 ग्रह, और 803,700 कोड़ा कोड़ी तारागण है। कालोदधि समुद्र में तेजस्वी किरणों से युक्त 42 चंद्र 42 सूर्य 1176 नक्षत्र 3,696 ग्रह और 28,12,950 कोड़ा कोड़ी तारा। इसी तरह पुष्कर द्वीप में भी 144 चंद्र 144 सूर्य 4,032 नक्षत्र 12,632 ग्रह 96,44,400 कोड़ा कोड़ी तारा, ठीक है। और अर्ध पुष्कर अगर आप करोगे तो उससे आधा 72 चंद्र 72 सूर्य आदि विचरण करते हैं। इस तरह पूरे मनुष्य लोक को 132 चंद्र 132 सूर्य 11,616 महाग्रह 3,696 नक्षत्र और 88,40,700 कोड़ा कोड़ी तारागण उसका समूह प्रकाश देता रहता है। तो संक्षेप से ये मनुष्य लोक का ये नक्षत्र समूह हुआ। आ रही है ना बराबर? हाँ, अब दोनों सूर्य की गति की बात है। दोनों सूर्य बिल्कुल नियम पूर्वक, क्योंकि उनकी गति भी फिक्स है, समय भी फिक्स है, बराबर 24 घंटे के बाद एक सूर्य भरत में उदित होगा, तब दूसरा सूर्य ऐरावत में उदित होगा, बराबर 24 घंटे में। तो इनकी गति भी स्थिर है, नियत है, नियम पूर्वक है, और उनका उदय अस्त भी नियम पूर्वक है, बराबर। समझ में आ रही है मेरी बात ये? हाँ, शास्त्र में सब चीज नियम से है, बिना नियम यहाँ कुछ नहीं है आकाश में, सारे ग्रह नक्षत्र एक नियम से ही घूम रहे हैं।
तो ये दोनों सूर्य, अच्छा ये नियम से कैसे आ जाए आप समझो। देखो चंद्र सूर्य घूम रहे, नक्षत्र घूम रहे, और घूम तो ये रहे, उनको देव घुमा रहे, बराबर। ये आपने पढ़ा कि उनको देव घुमा रहा है, तो अब हमारे लिए बहुत सिंपल बात हो गई कि अगर वो उनको, वो लोग घूम रहे, देव उनको घुमा रहा है, तो कोई रास्ता होना चाहिए। हाँ बिना रास्ते तो कोई घूमेगा नहीं, बराबर। उनका विमान और देव उठा के उनको लेकर चलाते हैं और घूमते हैं, तो बिना रास्ता क्या वो घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते ना, नहीं घुमा सकते। तो ऐसा रास्ता तो होना ही चाहिए आकाश में, जैसे हमारे यहाँ राजमार्ग होता है, 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन, ऐसे होते हैं ना हाईवे, होते हैं ना, बोलो। तो ऐसे ही इनके भी हाईवेज हैं, वो रास्ता है चलने का, जिसको बोला गया है मंडल, ज्योतिष चक्र और मंडल। सूर्य के कितने मंडल हैं? 184। तो ये उनके 184 पथ हो गया, रास्ता हो गया, हुआ कि नहीं बोलो। हाँ हुआ। चंद्र के 15 मंडल, चंद्र के 15 मंडल और नक्षत्र के 8 मंडल, ये तीनों के मांडले बताए गए हैं शास्त्र में। चंद्र के 15 मंडल है, नक्षत्र के, नक्षत्र का तो पूरा समग्र नक्षत्र के टोटल 8 मंडल, जो हमारे 28 नक्षत्र है वो 8 मंडल के अंदर है, और सूर्य के घूमने आने जाने के 184 मंडल, बराबर। तो ये बिल्कुल ऐसे मंडल ऐसे गोल बने हुए, गोल बंगड़ी की तरह ऐसे गोल, ऐसे गोल वो घूमते हैं। अब वो नियम पूर्वक चल रहे, तो एक उनका अनुपूर्वी से आसन्न हुआ क्षेत्र, उसको क्या नाम दिया है परमात्मा ने? अनुपूर्वी से आसन्न हुआ क्षेत्र, बराबर। ये जो रास्ता है वो अनुपूर्वी से आसन्न है। अनुपूर्वी का मतलब आप जैसे रोड बनाते हैं हम, तो रोड डामर वामर से रोड बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। बनता है। तो ये भी अनुपूर्वी आसन है, अनुपूर्वी से बना हुआ ये पूरा क्षेत्र है, रास्ता है, जिसको हम राजमार्ग कहेंगे, बराबर। तो परमात्मा ने कहा है कि हे गौतम, ये दोनों सूर्य अनुपूर्वी से आसन्न हुए क्षेत्र के ऊपर ही चलते हैं, अनानुपूर्वी यानी कि बिना अनुपूर्वी के आसन्न क्षेत्र के ऊपर वो नहीं चलते। मतलब जो उनका अनुपूर्वी से आसन्न क्षेत्र बना हुआ है ऐसे गोल गोलाई में, तो वो ही क्षेत्र पर चलेंगे, उसको छोड़ के अलग क्षेत्र पे कभी नहीं चलेंगे। मतलब जो अनुपूर्वी का जो रास्ता है, जैसे आप ट्रेन का पाटा सोच सकते हो, ट्रेन का पाटा कैसा होता है बोलो? ट्रेन के जो पाटे, पाटे की तरह चलता है ना, उसके ऊपर ट्रेन चलती है, बराबर। बिना पाटे कभी ट्रेन चल पाएगी बताओ? नहीं नहीं पहिया भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं चल पाएगी, है ना। हाँ तो ये भी जो विमान है वो अनुपूर्वी आसन्न बिना पाटे के नहीं चल सकते, ये पाटा ही इनका अनुपूर्वी से आसन्न हुआ क्षेत्र है। अच्छा अब ये दोनों सूर्य नियम पूर्वक 6 दिशा विषय क्षेत्रों में चले। अब ये कितने दिशा में चलते हैं? 6 दिशा 6 दिशा। कैसे चलते हैं? तो पूर्वादि दिशाओं में, चारों दिशाओं में, अथवा और तिर्यक दिशा में, पूर्वादि दिशा तेमज तिर्यक वगैरह दिशा, तो जो साइड की जो दिशाएं हैं वो सब में उदित सूर्य स्फुट रूप में चलता हुआ दिखाई देता है, और ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा में भी सूर्य का गमन जैसा है वैसा पहले बता दिया गया है। मतलब ऊर्ध्व में भी चलता है, अधो में भी चलता है, तिर्यक में भी चलता है, और पूर्वादि सारी दिशाओं में चलता है। समझ में आ गया? तो सारी दिशा, दिशा कितनी है? हमने पहले भी किया था रूचक प्रदेश के वक्त, कितनी दिशाएं हैं? 10। दस दस। तो 10 दिशा में ये अनुपूर्वी वाला सूर्य चलेगा ना? हाँ हाँ ये 10 दिशा में चलेगा। आओ अथवा अब दूसरी बात, हे गौतम, दोनों सूर्य अपने तेज से व्याप्त हुए क्षेत्र रूप वस्तु का प्रकाशन करते हैं। मतलब कि जो क्षेत्र रूप जो भी वस्तु आएगी, क्षेत्र
क्षेत्र रूप वस्तु तो क्या हुआ, जैसे क्षेत्र रूप वस्तु का मतलब है कि भाई जितने क्षेत्र में वो चलता है, जितने क्षेत्र में उसका प्रकाश जाता है, वो सारी वस्तु दिखाई दे। बराबर। अगर ये जम्बू के भरत में होगा, चल रहा होगा, तो भरत की सारी चीज आप देख पाओगे। लेकिन जब वो जम्बू के भरत में चल रहा है, तब महाविद्या में नहीं चल रहा है, तो वहां रात्रि है, तो वहां आपको कुछ भी दिखाई देगा नहीं, नहीं। ऐसे ही भरत में से जब वो महाविदे में चला गया, तो महाविदे में क्षेत्र रूप वस्तु को दिखाई देगा। लेकिन तब भरत में अंधेरा है, तो रात्रि है, तो क्या भरत में आप कुछ देख पाओगे? नहीं। नहीं। मतलब ये हो गया कि ये सूर्य, दोनों सूर्य अपने तेज से व्याप्त हुए क्षेत्र के वस्तु का ही प्रकाशन करते हैं। मतलब ये दोनों सूर्य जो क्षेत्र में है, वो क्षेत्र को ही प्रकाश देते हैं। बराबर बराबर। बराबर। बाकी को प्रकाश नहीं देते, मतलब उसका प्रकाशन ही नहीं करते। कोई भी वस्तु पड़ी है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना? अपने तेज से अव्याप्त वस्तु का प्रकाशन नहीं करते हैं। अर्थ ये हुआ कि जो जो एरिया में वो व्याप्त है, उनका तेज है, वो जगह पर अगर उनका तेज व्याप्त नहीं है, तो प्रकाशन नहीं करेंगे। और अगर उनका तेज व्याप्त है वो जगह में, तो ही उसका प्रकाशन करेंगे। ठीक है? तो इसका इसका मेन इसका मुख्य जवाब देखो किस प्रकार से भगवान दे रहे हैं। सुनो, हे गौतम, वो दोनों सूर्य द्वारा जो अवभासन, मतलब दिखना नहीं दिखना, ऐसी कोई क्रिया करना जो भी होती है, वो अतीत में नहीं की जाती, अनागत में भी नहीं की जाती, लेकिन वर्तमान क्षेत्र में ही की जाती है। बात समझ में आई? समझ में आई? नहीं। देखो, जो क्षेत्र में सूर्य है, उसी का प्रकाश, उसी को प्रकाश देता है। बराबर। बराबर। मतलब वर्तमान को ही वो प्रकाश देगा ना। हाँ, अगर आज अभी अभी देखो, अभी आकाश में सूर्य वर्तमान है, तो अभी प्रकाश है। क्या कल था? सूर्य नहीं था तब की बात। नहीं। और कल अगर ये चला जाएगा, फिर भी होगा, तो नहीं। वापस आएगा तब हो जाएगा। हाँ, मतलब वर्तमान में ही प्रकाश देगा। ये बात सही? सही। अगर सूर्य वर्तमान है तो ही प्रकाश है, तो भूतकाल भविष्य काल में तो नहीं है ना। नहीं। हाँ, सूर्य अगर भूतकाल हो गया, हाँ भाई, कल सूर्य हुआ था, अब आने वाला सूर्यास्त कल आएगा वापस, ऐसा ऐसा ये भूतकाल होता है ना। हाँ भाई, कल शाम को अस्त होने हुआ था, उसके बाद आज सुबह आएगा, तो कल था, सुबह आएगा, तो ये दोनों भूतकाल भविष्य काल हो गया। तब तो आपको कुछ नहीं प्रकाशित होगा। लेकिन अगर अभी सूर्य है, तो जरूर अभी प्रकाश है, तो ये वर्तमान काल को प्रकाशित करता है। बराबर। बराबर। हाँ, अच्छा, ऐसे ही सूर्य तेज से जो चीज स्पर्शित हो, मतलब प्रकाश अगर ये चमची को प्रकाश स्पर्शित है, तभी ये चमची दिखाई दे रही है। बराबर। ये दुनिया दुनिया में भी, खास भरत क्षेत्र में प्कश है, तो ही भरत क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अगर भरत क्षेत्र में प्रकाश नहीं है, तो क्या भरत क्षेत्र दिखाई देगा? अंधेरा होगा ना। हाँ, जहां सूर्य नहीं होगा, वहां अंधेरा होगा। आओ, वो क्रिया अवघाड़ होने से की जाती है, अनवघाड़ में होती नहीं। मतलब ये कब होगा? चलो, प्रकाश कब होगा? जब सूर्य बिंब ये प्रदेश से अवघाड़ित होगा, तभी ना। हाँ, बिना अवघड़ तो प्रकाश ही नहीं होगा। बराबर बराबर। बराबर। आओ, हे गौतम, वो अवभासन आदि क्रिया षष्ठी मुहूर्त प्रमाण मंडल संक्रमण काल में प्रारंभ में भी की जाती है, मध्य में भी की जाती है, अंत में भी की जाती है। मतलब ये हुआ कि जो अवभासन आदि क्रिया है, उदय अस्त, उदय अस्त, अवभासन का अर्थ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। बराबर बराबर। पर क्या नहीं दिख रहा है, तब भी वो सूर्य नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो ना, आप कहीं और तो है ना।
कहीं और तो है, तो ये चीज कहीं और है, यहाँ नहीं है, तो अनंतर अवघड़ हो गया। अनंतर अवघड़ का मतलब क्या है कि अभी था, अब नहीं है तो नहीं आएगा, वापस अनंतर कुछ छोड़ के आएगा तो वापस प्रकाश हो जाएगा। जब आ जाएगा प्रकाश, वो सूर्य आ जाएगा प्रकाश हो जाएगा, सूर्य चला जाएगा प्रकाश चला जाएगा, तो ये अनंतर अवघड़ हुआ। परंपरा अवघड़ में क्या होता है कि वो नहीं हो तो भी प्रकाश, जैसे कि बिजली इलेक्ट्रिक, वो नहीं है सूर्य हो या ना हो प्रकाश तो है ही ना। हाँ, तो अनंतर अवघड़ का मतलब ये हुआ कि एक कुछ समय छोड़ के वापस प्रकाश, और परंपरा अवघड़ का मतलब कंटिन्यू आए। ये बात समझ में आई? हाँ, परंपरा इतना मतलब बिजली ने लाइट ने बदल, परंपर मतलब बिल्कुल समय पेलू कहवाय ने माइनस कर्या वगर कंटिन्यू मळवू, परंपर मळवू, એક પછી એક દરેક સમયે પ્રકાશ મળવો, લાઈટ કહી શકાય, હવા લાઈટ હવા કહી શકાય, હવા પરંપરા ઉઘાડ છે, સમજાયું? એક પછી એક, એક પછી એક પ્રત્યેક ક્ષણે મળવું, પણ સૂર્યબિંબમાં ચંદ્ર પ્રકાશમાં એવું છે પ્રત્યેક સમય મળવું નહીં, એટલે અનંતર ઉઘાડ થઈ ગયું, બરાબર 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 ચાલ। हमें ऊर्ध्वमा प्रकाश, सूर्य, सूर्य का बीम जहां से घूम रहा है ऊपर की तरफ, खाली 100 योजन प्रकाश जाता है, कितना? 100 योजन, खाली ऊपर 100 योजन ही जाएगा उसका, जहां विमान है बराबर उससे ऊपर खाली 100 योजन जाएगा, लेकिन साइड में जैसे हेलोजन बल्ब होती है ना, आप देखो ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं, सादा सारा प्रकाश नीचे फेंक रही है, बराबर। हाँ, तो ये ऊपर खाली 100 योजन, नीचे 1800 योजन, कितना? 1800 योजन। एक तो 790 योजन तो ये बिंब हो गए, सूर्य जमीन से ऊपर हो गए, तो 900 योजन तो वही आ गए, और जम्बू द्वीप 1000 योजन ढाल चढ़ रहा है, तो वो 1000 भी ज्वाइंट हो जाएगा ना उसमें, 1000 भी इसी में आ जाएगा ना। हाँ, तो 800 योजन, ये 800 योजन तक नीचे भूतल और ऊपर के 1000, तो टोटल 1000 जो ग्राम ग्राम की बात की है वो, तो टोटल कितना योजन हुआ? 1800 योजन। 1800 योजन भूतल में, जमीन भूतल में प्रकाश दे रहा है, ठीक है? तो वो जहाँ है उससे नीचे कितना? 1800 योजन। और तिर्यक दिशा में मतलब दोनों तरफ कितना? 47,263 योजन। 47,263, क्यों? मेरु तक तो जाना चाहिए ना उसका प्रकाश, मेरु तक तो जाना ही चाहिए, इसीलिए आओ। अब यहाँ के सूर्य इतना देंगे, वहां के तो ज्यादा ही देंगे ना, घातकी खंड के तो। मतलब क्या हुआ पता है? कोई भी सूर्य बिंब को आप अगर वो मेरु हमारे में जम्बू में मेरु 1,50,000 योजन में आ जाता, इसलिए प्रकाश अटक गया। घातकी खंड में तो 3 लाख तक मेरु आता ही नहीं है, तो अटकेगा क्या प्रकाश? नहीं, मतलब प्रकाश को कोई अटकाव मिलेगा तो ही अटकेगा, नहीं तो लंबे दूर दूर तक जाएगा, बराबर बराबर। आओ, अब ये जो किस प्रकार से इनकी जो साइड में इतने और ऊपर खाली 100 योजन, तो इसका कारण क्या? तो कदम्ब पुष्प, आपको वो सनफ्लावर पता है ना, कदम्ब जैसा वो है ना, ऊर्ध्वमुख ऐसे होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो सारा फोकस सामने जाएगा, आगे पीछे ऊपर कम जाएगा ना, ऊपर कम जाएगा, साइड में ज्यादा जाएगा। आओ, तो बीम का मुख साइड में ज्यादा, चंद्र सूर्य आदि ज्योतिष के देव, अब ज्योतिष देव की बात की है,
अब यहाँ जवाब दिया है कि 1121 योजन छोड़ के, 1121 योजन कहाँ से छोड़ के, मेरू से, मेरू से 1121 योजन छोड़ के सबसे पहला तारा स्थित है। समझ में आया? मेरू से 1121 योजन छोड़ के सबसे पहला तारा है, तो इसीलिए मेरू से 1121 योजन छोड़ के सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता रहता है। ये तो तारा है इतना नजदीक, सूर्य तो वैसे भी 45,000 योजन ही दूर है, बराबर? सूर्य तो बहुत दूर है, 45,000 और 47,000 योजन दूर, और तारा सबसे नजदीक है इसलिए 1121 बोला है। अब इंद्रच्युत हो तब क्या होता है? सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष देव जब इंद्र का चवन हो जाए तब उस समय पे क्या करते हैं? जब इंद्र का आयुष्य पूरा हो गया और उनका चवन हो गया, उनकी आयु पूर्ण करके वो वहाँ से निकल गए, तब उस समय 4 या 5 सामानिक देव एक सम्मति से मिलकर ये पूरी व्यवस्था है उसको संभाल लेंगे, जब तक दूसरा इंद्र नहीं आएगा। तो जैसे हमारे में वड़ा प्रधान की व्यवस्था है वैसी यहाँ पे भी है, बराबर? हाँ, वड़ा प्रधान कहीं इधर उधर हो जाए या उनको कुछ हो जाए, जब तक दूसरा इलेक्शन या वड़ा प्रधान नियुक्त ना हो तब तक वो जो राज्यपाल और वो सब संभालते हैं ना, राष्ट्रपति संभालता है, राष्ट्रपति शासन आता है कि नहीं आता है? बस इसीलिए इसी तरह यहाँ ऐसे होगा। आओ अभी देखो ये नक्षत्र पट का पिक्चर है उसको समझो। सबसे पहला अभिजीत नक्षत्र दिख रहा है ना लिखा हुआ? हाँ, अभिजीत के बाद श्रवण, फिर ये घनिष्ठा, देखो उसका पांजरा मैं आकार भी साथ में बोल रही हूँ। अभिजीत 3 तारे हैं और गाय का सिर हो ना ऐसा, सिंह ऐसा दिख रहा है ना गाय का चेहरा, ये अभिजीत नक्षत्र है। फिर 3 तारा है श्रवण का यहाँ पे एक सीधी लाइन में, उसके बाद है घनिष्ठा नक्षत्र, बिल्कुल पांजरे का आकार है, पांजरा हो ना पांजरा, आओ देखो दिख रहा है पांजरा, पांजरा उल्टा पांजरा है, पांजरा इस तरफ, आप उसको उल्टे से देखोगे तो 5 तारों का पांजरा पिंजरा दिखेगा, पिंजरा दिख रहा है ना। अब आओ यहाँ पे घनिष्ठा के बाद सत्तारा, देखो ये पूरे 100 तारे का झुमका है, फूल की छाबड़ी में 100 फूल पड़े हो ना ऐसा दिखता है वो, एक फूल की छाबड़ी हो और 100 फूल पड़े हो तो ऐसे ही यहाँ पे एक छाबड़ी है और 100 तारे हैं एक साथ में, ऐसा ये 100 तारा, सबसे बड़ा तारों का समुदाय हो तो ये 17 नक्षत्र है और कोई नहीं। ये आज की राशि मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि भी यहाँ लिखी हुई है, ये आगम में नहीं है लेकिन आज है इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद, देखो 2 तारे पूर्व भाद्रपद के 2 उत्तर भाद्रपद, तो चारों मिलके एक पलंग का आकार बना। उसके बाद आया रेवती नक्षत्र, 32 तारों का समूह है ये 32, और ये बिल्कुल वाहन होता है ना बड़ा बड़ा शिप बोट में उसके जैसा दिख रहा है। फिर है अश्वनी, अश्वनी देखो 1 2 3 घोड़े का चेहरा दिखेगा, दिख रहा है? हाँ। फिर ये भरणी नक्षत्र, इसके भी 3 तारे, उसके बाद है कृतिका, ये सारे एक के बाद एक है, कृतिका के भी 3 तारे, 3 और 3 6 तारे, देखो यहाँ 3 और यहाँ 3 6 तारे हो गए, जैसे रास्ता हो ना ब्रिज हो ऐसा है ना आकार। आओ उसके बाद है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र का आकार गाढ़ा जैसा है, गाढ़ा हो ना काट ऐसा। उसके बाद वृक्षिश नक्षत्र,
वृक्षीर्ष हरण का चेहरा है, हरण का फेस, और ऐसे तीन एक लाइन में है। देखो ये उसकी आंखें और ये बीच वाला एरिया वृक्षीर्ष पहली लाइन, इसको हरण हरण के आगे की चेहरा हो ना, चेहरा और आंख बीच वाला भ्रमर जॉइंट हो, वहां पे एक तारा और दो तारा इस तरह, वैसे एक सीधी लिटी होती। उसके बाद मृक्षीष नक्षत्र, रोहिणी और मृक्षीष दोनों मिला के बड़ी बड़ा लंबा समय जाएगा। फिर है आर्द्रा नक्षत्र, उसके बाद पुनर्वसु, वो भी पलंग जैसा ही है। उसके बाद है पुष्य, तीन तारे का। अश्लेषा, वो भी एक दो तीन चार पांच तारे का। फिर है मघा, देखो दातरडा जैसा आकार हो गया, इसको दातरडू कहा गया है। मघा का एंड जो है चार, वो हाथ हैंडल, वो है पूर्वा फाल्गुनी। आगे के दो तारे पूर्वा फाल्गुनी, पीछे के दो तारे उत्तरा फाल्गुनी, बिल्कुल पलंग का आकार होता है ये। फिर है हस्त, हस्त भी हाथ हथेली होगी ऐसी, देखो ऐसी हथेली। उसके बाद है चित्रा, चित्रा का एक ही तारा है चित्रा। चित्रा पे आते ही आधा हो जाता है, कितना होता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। अब वहां से शुरू होगा आषाढ़ महीना उत्तरा श्रवण से, और यहाँ आते आते पोष महीना आ जाएगा चित्रा में। अरे पोष भी नहीं, अश्वनी, अश्वनी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, अश्वनी, अश्वनी, अश्वनी। तो आपका तारा मंडल आधा हो गया, क्योंकि आपके दो तारा मंडल मिलके एक महीना खत्म करेंगे, बराबर। आधा तारा मंडल हो गया है चित्रा में, आपने शुरू किया था पूर्वाषाढ़ा से, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और अभिजीत से शुरू किया था। अब ये चित्रा आया, चित्रा के बाद ये स्वाति, स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा, भी बिल्कुल चार बड़ा तारा का एरिया और पलंग जैसा दिख रहा है आपको। फिर है अनुराधा, अनुराधा में देखो बराबर वृश्चिक राशि आ गई, बिच्छू का आकार हो रहा है, दिख रहा है आपको। ये आगे का उसका पूरा दोनों पैर के साथ, और ये पीछा उसका पीछे का करोड़ रज्जू, और ये देखो उसकी पूरी पीछे की पूछ हुई टर्निंग वाली, ये बिच्छू का आकार हो गया। तो उसमें भी आगे अनुराधा, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का तारा आएगा, और उसके बाद यहाँ जो पूछ है वो एरिया में आएगा मूल। कौन सा नक्षत्र, मूल, और फिर पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, ऐसे ये दो तारा, यहाँ नीचे दो तारा है वो थोड़ा दिख नहीं रहा है, प्रिंटिंग में नहीं आया, तो दो और दो चार, तो दो तारा ये आएगा, दो तारा पीछे का आएगा। सारे ही उत्तरा में ऐसे दो दो तारे का ही समूह आता है, ठीक है। तो वो भरत का हुआ, ये दूसरा ऐरावत का, ऐरावत का भी ऐसे ही वापस सेम टू सेम तारे, जैसे भरत में आ गए नक्षत्र, वैसे यहाँ भी यही नक्षत्र। देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, जैसे वहां शुरू हुआ था पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, हुआ ये भी पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, फिर मूल, क्योंकि यहां से ये उल्टा शुरू होगा ना, इसलिए उल्टी लाइन आएगी। आपको यहाँ भी देखो तो अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा, सत्तारा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी, मृक्षीष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, सब है इसमें। देखो अभी आएगा, एक मिनट देखो, आया पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, थोड़ी बार से बोलो, अनुराध, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, चलो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, तो बराबर
28 नक्षत्र का समूह पहले भी और 28 नक्षत्र का समूह अभी भी। तो ये एक चक्र है भरत क्षेत्र का, एक ऐरावत क्षेत्र का। समझ में आ गया ये? हाँ, अब आओ देखो ये चंद्र के मंडल 15, अभी आप अभी अभी आपने पढ़ा ना 15 मंडल है, और 6 दिशा में सूर्य चंद्र भ्रमण कर रहे हैं, वो भी पढ़ा बराबर। तो ये तो 4 दिशा और 4 विदिशा, तिर्यक दिशा, 8 दिशा तो इधर ही हो गई। हाँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, तो वो 4 तिर्यक और ये 4 मुख्य दिशा, सब इधर 8 इधर हो गए, और पांचवी ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे, ये भी आएगी ना। हाँ। तो पूरा ज्योतिष चक्र ऊर्ध्व से अधो उतर रहा है, अधो से ऊर्ध्व जा रहा है, बराबर। पहले ये बात समझ में आ गई? हाँ। अगर मान लो जैसे ये आपके सामने एक चीज है, तो यहाँ भी ऊर्ध्व अधो होगा ना, दिख रहा है? हाँ, तो इसमें भी ऊर्ध्व अधो होगा, ये अधो है, तो या अगर ज्योतिष चक्र ऊपर चढ़ गया तो ये ऊर्ध्व होगा और वापस नीचे उतर गया तो अधो होगा, बराबर बराबर बराबर। तो यहाँ भी आपको देखो ऊर्ध्व क्षेत्र अधो क्षेत्र बताया गया है, ऊर्ध्व क्षेत्र दिख रहा है ना ये, तो यहाँ पे आपका पूरा चंद्र का मांडला यानी कि पूरा ज्योतिष चक्र इतना ऊंचाई पे दिख रहा है, दिख रहा है ना ये पिक्चर में, ये ऊर्ध्व दिशा में है, और धीरे धीरे उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी खत्म होते ही ये बराबर कितना देखो नीचे उतर गया यहाँ पे। हाँ। जगह कम हो गई, देखो यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ। और यहाँ पे कम है, देखो यहाँ पे कम है, मांडला तो वही के वही है, मांडला तो उतना ही है, पर मांडला ही ऊपर नीचे हो गया कि नहीं, तो सब 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 मंडल ऊपर नीचे हो जाएंगे, सूर्य के भी चंद्र के भी नक्षत्र के भी और ग्रहों के भी, मतलब पूरा ज्योतिष चक्र ही ऊपर नीचे हो जाएगा, बोलो होगा ना। आपको इसलिए मैंने ये दोनों पिक्चर बताए, ठीक है? जब ऊर्ध्व दिशा में गमन होती है तब का भी और अधो दिशा में होती है तब का भी। ये है ऊर्ध्व क्षेत्र गमन और ये है अधो क्षेत्र गमन। चलो अब दिशा के 6 प्रकार बताएं। अब वापस दिशा को जरा ज्यादा बताया है डिटेल से। दिशा के 6 प्रकार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 मुख्य जो तिर्यक में है, और ऊर्ध्व अधो, ऐसे 6 मुख्य दिशा। पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के साथ साथ और 4 विदिशा भी आ जाएगी ना, क्योंकि वो सब एक ही लेवल पे है, बराबर। हाँ। आओ। तो दिशा के हिसाब से ही इसी तरह से ध्यान दो, जैसे 6 दिशा में ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, इसी तरह से 6 दिशा में आगति उत्पत्ति मतलब किसी स्थान के प्रति आना और जाना जीव की भी होती है कि नहीं, उत्पत्ति गति। तो जीव की गति भी इस तरह 10 दिशा में होगी, बराबर। हाँ। तो इस प्रकार से आगति, फिर उत्पत्ति, व्युक्रांति, उत्पत्ति स्थान में उत्पन्न होना, आहार शरीर की वृद्धि होना, शरीर की विकूर्वणा, गति पर्याय, चलना, वेदनादि समुद्घात, दिन रात आदि, काल का समय, संयोग, अवधि ज्ञान आदि सारे विशिष्ट रूप के ज्ञान ज्ञान, और जीवों के स्वरूप को प्रत्यक्ष से जानना है। समझ में आया? इसी प्रत्यक्ष के कारण जीव का भी समूह आगति आगति करता है और ग्रह नक्षत्र भी गति आगति करते, ठीक है? जीवों के स्वरूप को प्रत्यक्ष से जानना है, पुद्गल के
अजीवों के स्वरूप को भी प्रत्यक्ष से जानना है। इसी तरह पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य के लिए भी कहा गया है। अब फिर से दस दिशा का पाठ है भगवती सूत्र का। पहले उद्देशक में दसवां शतक, दिशा संवृत्त अणगार आत्मरुद्धि श्याम हस्ती देवी सभा और उत्तर दिशा के अंतर द्वीप, ये संबंधी ये दसवें उद्देशक में 34 उद्देशक है। परमात्मा गौतम स्वामी को जवाब दे रहे हैं कि हे गौतम, भगवान ने पूछा, गौतम स्वामी ने पूछा है भगवान को कि पूर्व दिशा क्या है, पश्चिम दिशा क्या है, आप दिशा के बारे में समझाओ। तब भगवान जवाब देते हैं कि हे गौतम, जीव रूप और अजीव रूप दोनों रूप से दिशाएं हैं। दिशा में जीव भी रहते हैं अजीव भी रहते हैं, तो दोनों दिशा जीव अजीव दोनों हो गई। है ना, तो दस दिशा और दस दिशा का यहाँ नाम कहा गया है। थोड़ा हमारे लिए नया है क्योंकि हम तो अपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसी नाम से जानते हैं उसको, लेकिन भगवान के, भगवान ने इनके जो नाम है आगमिक नाम कि भैया ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम तो अभी के नाम है, आगमिक इसके नाम अलग है। तो इसके आगमिक नाम जो बताए हैं आगम में वो मैं बोल रही हूँ। एंद्री, एंद्री यानी कि पूर्व, फिर आग्नेयी यानी अग्नि दिशा, उसके बाद याम्या जो दक्षिण दिशा है, नैऋत्ति जो नैऋत्य दिशा है, वारुणी जो वायव्य दिशा है, उसके बाद वायव्य जो वायव्य कोण है, वारुणी पश्चिमी दिशा है, सॉरी वायव्य जो वायव्य कोण है, उसके बाद सौम्या जो उत्तर दिशा है, और ईशानी जो ईशान दिशा है, विमला जो ऊर्ध्व दिशा है, और तमा जो अधो दिशा है। ठीक है, तो ये सारे आगम के नाम है, ये हमारे नहीं है, आज के नाम नहीं है, ये आगमिक नाम है। उसके बाद आगे देखेंगे गौतम स्वामी ने सवाल पूछा है कि हे भगवान, क्या इंद्रिय दिशा जीव रूप है या जीव का देश ही है, अंदर थोड़ा सा ही भाग है, या जीव का प्रदेश है थोड़ा बड़ा भाग है, अथवा अजीव है या अजीव का थोड़ा भाग है या अजीव का बड़ा भाग है, क्या है, है ना? या तो अजीव पूरा हो या अजीव का थोड़ा भाग हो या अजीव का थोड़ा ज्यादा बड़ा भाग हो। तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि हे गौतम, उसमें जो जीव है वो अवश्य एक इंद्रिय बे इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय तक के है। बोलो ये सारी दिशाओं में कौन कौन रहता है, ये बोलो। कितना बढ़िया जवाब है भगवान का, कौन कौन रहता है सारी दिशाओं में बताओ। सब रहते हैं, सब जीव, सब संसारी जीव आ गए सब दसों दिशा में। तो भगवान ने कहा कि अगर ये जीव की अपेक्षा से, ये जो सारे दशे दिशा है वो जीव की अपेक्षा से, ये दसों दिशा जीव रूप है। समझ में आया? और जो जीव के देश है, मतलब जो जीव के देश मतलब थोड़ा भाग में थोड़ी संख्या का जीव, तो एकेंद्रिय हुआ। एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय भी तो है। तो ये सारे जो जीव हैं वो उनके एकेंद्रिय के यावत अनिंद्रिय मुक्त जीव के देश है। ठीक है, उसके देश भी है, देश भी है कि नहीं बताओ। पंचेंद्रिय मेरा इतना बड़ा शरीर है तो उसका देश भाग भी अंदर है कि नहीं है। वो तो अपने आप आ गया देश भाग। तो ऐसे ही अजीव की बात की है,
जो अजीव है वो दो प्रकार के, कितने दिशा में जो अजीव है, एक रूपी एक अरूपी, क्योंकि जो दिख रहा है वो रूपी अजीव, जो नहीं दिख रहा है वो अरूपी अजीव। समझ में आया? जैसे ये बादल दिख रहे हैं तो ये कैसे अजीव हो गए? रूपी अजीव। आकाश दिख रहा है ना, धर्मासिका दिख रहा है नहीं। लेकिन है तो सही ना, धर्मासिका अधर्मासिका काल है, तो वो हो गया अरूपी अजीव। समझ में आया? हाँ, अजीव है वो दो प्रकार के, एक रूपी अजीव एक अरूपी अजीव। जो रूपी अजीव है उसके भी चार प्रकार, कितने? चार प्रकार। कैसे? तो स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। क्योंकि ये शरीर तो परमाणु, एक परमाणु अकेला तो खाली परमाणु, फिर दो परमाणु इकट्ठे होंगे तो स्कंद बनेगा, देश बनेगा। फिर और कुछ इकट्ठा हो गया, स्कंद, देश, प्रदेश, दो परमाणु इकट्ठे हुए तो प्रदेश बना, और एक परमाणु इकट्ठे या दो चार हो गए तो देश बना, और पूरा सारा ये शरीर जब बन गया पुद्गल का तो ये स्कंद बना। क्या बना? स्कंद। तो पुद्गल को हमेशा स्कंद कहा गया है, इसीलिए पुद्गल शरीर वो स्कंद प्रदेश है। आओ, और अरूपी अजीव है वो सात प्रकार के। कितने प्रकार के हैं अरूपी के? तो टोटल सात प्रकार। मैं बोल रही हूँ, नौ धर्मास्तिकाय रूप, धर्मास्तिकाय का देश, धर्मास्तिकाय का प्रदेश, नौ अधर्मास्तिकाय रूप, अधर्मास्तिकाय का देश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, है ना? अधर्मास्तिकाय का देश भी और प्रदेश भी है कि नहीं? खाली परमाणु नहीं है। ठीक है, तो नौ धर्मस्थिकाय रूप, अधर्मस्थिकाय का देश, अधर्मस्थिकाय के प्रदेश, नौ आकाशास्थिकाय रूप, आकाशास्थिकाय का देश, और आकाशास्थिकाय के प्रदेश, और अध्या, ऐसे पांच प्रकार के अजीव हुए। जो अरूपी है, जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बराबर सात प्रकार हो गए। फिर से बोल रही हूँ, सात प्रकार में गिनाती हूँ, सुनो। अजीव रूपी अरूपी, अरूपी जीव है वो सात प्रकार के। रूपी जीव अजीव के दो प्रकार, रूपी जीव अजीव, अरूपी अजीव, बराबर। उसमें जो अरूपी अजीव है वो चार प्रकार मैंने बता दिए, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, राइट। अब अरूपी अजीव की बात की है, वो सात प्रकार के, कितने? सात प्रकार। पहला है नौ धर्मस्थिकाय काय रूप, फिर धर्मस्थिकाय का देश भाग, उसके बाद धर्मस्थिकाय के प्रदेश, नौ अधर्मस्थिकाय रूप, अधर्मस्थिकाय का प्रदेश, और आकाशास्थिकाय का प्रदेश, नौ आकाशास्थिकाय रूप, आकाशास्थिकाय का देश, उसके बाद आकाशास्थिकाय के प्रदेश, और अध्या, ऐसे सात भेद हुए। एक वन बाय वन बोलू एटले समझ पड़ी जाए। जो नौ धर्मास्थिकाय रूप, धर्मास्थिकाय का देश, ठीक है, फिर है धर्मास्थिकाय का प्रदेश, तीसरा है नौ धर्मास्थिकाय रूप, अधर्मास्थिकाय का देश, और चौथा है अधर्मस्थिकाय का प्रदेश, पांचवा है नौ आकाशास्थिकाय रूप, आकाशास्थिकाय का देश, छठा है आकाशास्थिकाय का प्रदेश, और सातवां हुआ अध्या, समय, काल, बराबर। क्योंकि इसमें धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय और आकाशास्थिकाय, तीनों के दो दो आ गए, तीनों के दो दो आए, धर्मस्थिकाय के भी दो, अधर्मस्थिकाय के भी दो, आकाशास्थिकाय के भी दो, तो तीनों के प्रदेश और देश, देश भाग दोनों आए, लेकिन काल का तो एक ही आएगा। काल का तो सूक्ष्म विभाजन तो होता ही नहीं है, तो काल का खाली प्रदेश आया, बराबर। आओ,
जिस प्रकार से इंद्रिय दिशा में और अरूपी अजीव 7 प्रकार के और रूपी अजीव 4 प्रकार के बताए हैं ना, इसी तरह से दसों के दसों दिशा में यही जानना है। समझ में आई बात? हाँ, तो सारी दिशाओं को आप एक पूर्व की दिशा की तरह जानेंगे और सारे कोण को आप अग्नि कोण की तरह जानेंगे। बराबर बराबर। अब कहाँ थोड़ा अलग है वो बताया है, मैं बोल रही हूं। तमा दिशा नीचे जमीन में थोड़ा अलग है। क्या है? अरूपी अजीव 6 प्रकार, क्योंकि वहां पे काल होता ही नहीं है। नीचे ऊपर तो प्रकाश है ही, ऊपर तो दिन दिख रहा है, ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश है, दिन दिख रहा है। लेकिन जो नीचे है तमा दिशा में अरूपी अजीव को, वहां पे अरूपी अजीव की छठा जो काल समय है वो वहां पे है क्या? नहीं, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है वहां, कोई समय नहीं है, इसलिए वहां आधा समय नहीं होता। आओ चलो, जो मुद्दा समझाया है उसकी बात करेंगे। अब दोनों सूर्य, एक सूर्य यहाँ पे एक सूर्य यहाँ पे, चक्रवाल गति से चक्कर काट रहे हैं, बोलो, एक दूसरे के सामने रह के, ठीक है? तो ऐसे काटते काटते ऊपर ऊपर से नीचे उतरेंगे उत्सर्पिणी काल तक से लेके अवसर्पिणी में, और अवसर्पिणी से वापस उत्सर्पिणी में वापस ऊपर जाएंगे। आपने देखा ना, ऊर्ध्वगमन दिशा और अधो दिशा भी गमन है। हाँ, तो ये कितना नीचे उतरेंगे, कितना ऊपर चढ़ेंगे, उसका एक नाप होना चाहिए, होना चाहिए नाप, होना चाहिए, नहीं तो एकदम नीचे आ गए ऐसा तो होगा ही नहीं। उसका भी नाप होना चाहिए, उनका रास्ता होना चाहिए। तो बात यह है कि 61 भाग में से 24 भाग उनके क्षेत्र में ऊर्ध्वता, अधस्ता और तिर्यकता रहती है, उत्सेद के प्रमाण से बढ़ेगी और घटेगी। समझ में आया? एक दो मिनट में फोन ले लो। हाँ चल, तो ये जो ऊर्ध्व में गमन अधो में गमन कितना उतरेगा कितना चढ़ेगा, 61 भाग में से 24 भाग प्रमाण, समझ में आया? देखो यहाँ पे आपको भाग दिख रहे हैं, मैं बता रही हूँ, देखो देखो यहाँ पे आपको भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 खाना दिख रहा है, हाँ आपको यहाँ पे भाग दिख रहे हैं, यहाँ पे खाना दिख रहे हैं ना, खाना है। हाँ तो मान लो कि ये 61 भाग है, 61 खाना, उसमें से 61 में से 24 जितना वो नीचे उतर जाएगा, खाली 24 बचेगा, इतना नीचे उतर गया यहाँ से यहाँ, समझ में आया? ओके, ये 61 भाग होते हैं, टोटल 61 भाग है, तो 61 भाग उसकी 161 भाग जितना ऊंचा वो ऊर्ध्व में होता है, ऊर्ध्व दिशा में, उसमें से 24 जितना नीचे उतर जाएगा, 24 निकाल दो, तो अब उसके नीचे के 24 मैंने निकाल दिए, तो इतना ऊपर के, तो इतना नीचे उतर गया। 61 में से 24 जितना वो नीचे उतरता है, बात समझ में आई? हाँ 61 ये जो सूर्य के मंडल है जब ऊर्ध्व में होते हैं, जब अब समझो कैसे, उत्सर्पिणी में सबकी शरीर ज्यादा है, हाइट वाइट सब ज्यादा है, ऊंचाई सब ज्यादा है, तो ऊंचाई जब ज्यादा है तो 61 भाग ऊंचाई में मंडल है। हाँ अब वो 61 में से जब आपकी हाइट घटती जाएगी, 3 गांव की काया के भी 900 योजन, तो ये 61 भाग जितना ऊंचा हो गया, समझ में आ रहा है? बराबर,
क्योंकि उनके हाथ की चौड़ाई उनके शरीर के नाप से तो 700-900 योजन तो ज्यादा ही हो गया ना हमसे तो। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो 3 गांव की काया से शरीर घटता जाएगा ना, 500 धनुष तक रहेगा, तो ये बिल्कुल मध्य में आ जाएंगे। क्योंकि 500 धनुष वाली की काया से 900 योजन तो वो 3 गांव से तो कम ही हुआ ना। हाँ, और अब तो हम खाली 5 फुट के हैं, तो 5 फुट की काया के आप 900 योजन देखोगे, 2 हाथ चौड़ा करके मैं खड़ी रहूं तो और कम हो गया माप, तो ये और नीचे उतर गए। और जब 1.5 फुट के हो जाएंगे तब तो और नीचे आ जाएंगे, तब इसीलिए 24 भाग प्रमाण नीचे उतर जाएंगे। और वापस जैसे जैसे उत्सर पीढ़ी से शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे काया भी बढ़ेगी ना। अगले जो 80,000 साल के बाद पहला आ रहा आएगा, तब सबका शरीर कितना होगा, 7 हाथ का हो जाएगा भगवान महावीर जितना। तो ये थोड़े नीचे से ऊपर आए, उसके बाद ऋषभ देव भगवान तक आधे ऊपर आ गए। तो जैसे जैसे ये ऊपर आते हैं वैसे वैसे हमारी काया वाया सब बढ़ती जाती है, शुद्ध होता जाता है वातावरण बराबर। और धीरे 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 और ये ऊपर चढ़ता जाएगा और ऊपर चढ़ता जाएगा, और जब यहां तक आ जाएगा तब पहले आर्य का अंत, तो वापस 3 गांव की काया हो गई। मतलब सूर्य के मांडले जैसे ऊपर जते गए, सारा वातावरण शुद्ध हो रहा है ना, पहले से ज्यादा शुद्धि हो रही है ना। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य के मांडले की असर के कारण ही हमारे ये उत्सर पीढ़ी काल आते रहते हैं। समझ में आया? जब ऊंचाई पे सूर्य के मांडले चलेंगे ऊर्ध्व दिशा में तो कल्प वृक्ष ही होंगे, और सारे 256 पसली वाला 3 गांव के शरीर वाला मनुष्य का शरीर होगा बराबर। और जैसे ये नीचे उतरते उतरते नीचे उतरते उतरते तीसरे आरे तक पहुंच, दूसरे आरे के और 1,000 धनुष, तीसरे आरे में की शुरुआत में 500 धनुष की काया, जैसे जैसे नीचे उतरते 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 चौथे आरे के एंड तक आएंगे, हम वापस 5 फुट के हो जाएंगे बराबर। क्योंकि ग्रह नीचे उतर रहा है तो उसकी असर के कारण नीचे का सारा पदार्थों में बदलाव आता है ना, आता है कि नहीं। आज के साइंस के हिसाब से देखोगे तो जो जो आपका जो ओजोन वायु घट रहा है ना, अभी ओजोन वायु बहुत घट चुका है बराबर, उसकी परतें फट चुकी है। क्यों? क्योंकि मांडले नीचे उतरे, अब तो और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तब तो बिल्कुल ओजोन वायु ऑक्सीजन घटता जाएगा, तभी सब लोग मिट्टी में नीचे माटी के अंदर चले जाएंगे रहने के लिए, जाएंगे ना, क्योंकि नीचे उतरेगा तो सूर्य की धूप आप सहन नहीं कर पाओगे बराबर, और आप वो नहीं सहन कर पाओगे इसलिए 6ठे आरे में तो बिल्कुल बीलवासी बन जाओगे, मिट्टी के अंदर जाके रहोगे, रहोगे ना, 1.5 फुट का शरीर हो जाएगा। तो ये सारी क्रिया किसके कारण हो रही है? सूर्य के कारण हो रही है और किसी के कारण नहीं। आओ मैं थोड़ा बोल लेती हूँ, सुनो, ये समझ में तो आ गया ना। हाँ आओ, अभी मैं बोल रही हूँ कि दोनों सूर्य का गमन चक्रवाल क्षेत्र के अनुसार ही होता है। परमात्मा कहते हैं कि हे गौतम, ऊर्ध्व क्षेत्र में भी ये सूर्यो दोनों सूर्य गमन करते हैं, अध क्षेत्र में भी गमन करते हैं और तीर्य क्षेत्र में भी गमन करते हैं, और ये सारा जम्बूद्वीप प्रगति की 7वें वक्षकार की गाथा 263 से लेके 268 के अंदर ये पूरी गाथा का पाठ है। समझ में आया? आगम पाठ है ये। अब उनके ऊर्ध्व अध और तीर्यकता योजन के 61 भाग में से 24 भाग प्रमाण उच्छेद की अपेक्षा से बढ़ेगी घटेगी, ऊंचाई की अपेक्षा से। मतलब जैसे जैसे लोगों की ऊंचाई बढ़ेगी इनके ये ग्रहों की ऊंचाई भी बढ़ेगी बराबर, जैसे लोगों की ऊंचाई घटेगी वैसे वैसे ग्रहों की मंडल और धरती के बीच की ऊंचाई भी घटेगी, घटेगी ना।
तो ये पूरा ज्योतिष चक्र मध्य में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे अधो में आ जाएगा, ठीक है। और तो कितना घटेगा, उच्छेद की अपेक्षा से 780 योजन जितना प्रमाण उच्छेद गिनना है, उसकी अपेक्षा से 61 के 24 भाग जितना, 61 में से 24 भाग जितना बढ़ेगा और घटेगा, उतना ऊर्ध्व और अध प्रमाण भी घटेगा और बढ़ेगा ऊंचाई का, ठीक है। चक्रवाल क्षेत्र 780 ऊपर ही है, हर जगह 780 ऊपर ही है। जब आपकी 1.5 फुट की काया है, तब भी आपके नाप के हिसाब से मुट्ठी तो उसी की होगी, गिनी जाएगी, उसके हिसाब से वो 780 योजन। अगर आप 7 हाथ की काया वाले हैं भगवान महावीर के समय, तो उनके हाथ उनकी मुट्ठी के हिसाब से 780 योजन। अगर आप पहले आर्य के ऋषभदेव भगवान के 500 धनुष जीतने हैं, तो उनकी मुट्ठी के हिसाब से 780 योजन गिनना। और आप अगर पहले आर्य में हो, 1.5 गांव की काया वाले, तो उनकी मुट्ठी के हिसाब से 790 योजन। समझ में आ गया, बात बहुत क्लियर है ना। नहीं समझ में आया हो तो पूछो कुछ। तो जब ये एक गांव की 3 गांव की काया से जब ये नीचे उतरेगा, तो अनंत द्रव्य अनंत पर्याय में बदलाव घटत के रूप में आएगा। घटेगा ना, अनंत पर्याय अनंत द्रव्य घटेगा कि नहीं, तो सब घटेगा। पुद्गल द्रव्य घटेगा, क्षेत्र घटेगा, जमीन का काल भी घटेगा और भाव भी घटेंगे मनुष्य के, बराबर। और जैसे ये ऊपर जाएगा अनंत द्रव्य में वृद्धि, तो अनंत पुद्गल द्रव्य में भी वृद्धि, आपका शरीर भी बढ़ रहा है, फिर क्षेत्र में भी वृद्धि, पूरा भरत क्षेत्र का विस्तार भी बढ़ रहा है, क्योंकि पानी सारा बाहर निकल जाएगा जो लवण में आया है वो, तो विस्तार भी बढ़ेगा, सबके घर भी बड़े होंगे कि नहीं होंगे बोलो पहले। तो घर मकान बड़े होंगे तो क्षेत्र बड़ा होगा ही ना, सब बड़ा होगा, क्योंकि मनुष्य तो हर बार जितने चाहिए उतने ही होते हैं। एक मिनट, एक फोन आया, एक मिनट। चलो, तो ये जो 3 गांव की काया है, उसके प्रमाण में जैसे जैसे समय आगे निकलेगा, तो ऐसे ऐसे लोगों की जगह के हिसाब से, शरीर के हिसाब से उनको जगह भी बड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। मनुष्य तो हर समय संख्याता ही होते हैं, बराबर। तभी भी 90 करोड़ पदाती थे ना, अयोध्या में 90 करोड़ पदाती थे, आज भी 125 करोड़ है देशवासी, बोलो। मनुष्य हर बार जब परमात्मा के भरत राजा के समय में या आज के समय में, आज नरेंद्र मोदी प्रधान है उसके समय में, तब भरत राजा चक्रवर्ती थे, 90 करोड़ तब सैनिक थे, तो आज 125 करोड़, 135 करोड़ जो देश की जनता है, वो बराबर हुई कि नहीं हुई दोनों? हाँ हुई हुई हुई। तो यहाँ बस बात यही है कि मनुष्य संख्याता है, जब उसकी उसके शरीर बढ़ेगा, जब काया बढ़ेगी, तो मकान क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो पुद्गल द्रव्य भी बढ़ा, क्षेत्र भी बढ़ा, काल और भाव काल भी बढ़ा। काल कैसे बढ़ा, क्योंकि वो तो सीधा हमारे जो कितने समय का काल है, ये 5वां आ रहा, खाली 20,000 वर्ष का, और उनका आ रहा 1 कोटा कोटी 2 कोटा कोटी, ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? काल भी बढ़ रहा है और भाव भी बढ़ रहे हैं। भाव भी तब शुद्ध होते हैं, अभी कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा, तब शुद्ध होते हैं, उससे पहले अति शुद्ध है तब भी कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा। तो हर बार का काल अलग हुआ, हर एक आरा का हुआ, ठीक है। आओ, तो इस तरह से पहले आरे से काया घटते 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 7 हाथ तक रह गई, मतलब कि उनके उनकी काया घटने का कारण ज्योतिष चक्र नीचे उतर रहा है, वही हुआ, बराबर। काया घटने से तो ज्योतिष चक्र नीचे नहीं आया, बराबर। ज्योतिष चक्र नीचे आ रहा है इसीलिए काया घट रही है, राइट राइट। तो ज्योतिष चक्र नीचे आ रहा है, वही सबसे बड़ा कारण है, जो ये अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी का आरा जो बन रहा है, वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही बन रहा है, क्योंकि ज्योतिष चक्र वहीं पे ही नीचे उतर रहा है, और तो कहीं ज्योतिष चक्र घूमता ही नहीं, 5 भरत 5 ऐरावत के अलावा तो कहीं घूमता ही नहीं है। महाविदेह की तो साइड के जो सीता मुखवन है उसके ऊपर से घूम गया,
महाविद्या के बीच के क्षेत्रों को भी ज्योतिष चक्र ने छुआ ही नहीं है। समझ में आ गई बात मेरी? इसीलिए ये सारा प्रमाण खाली हमारे ये एरिया में ही होगा और कहीं नहीं। बस मैं अभी यहाँ पे अटक रही हूँ आज अमिता बेन, बराबर? क्योंकि ये, हाँ, ये मुद्दा बहुत ट्रिकी है ना, बाकी सबको भी समझ में आ जाए। अब इसी मुद्दे में आगे बढ़ना है तो एक बार सबको सुन भी लेने देते हैं, और आगे का मुद्दा भी अगले क्लास में, फिर अभी थोड़ा ही होगा, बाकी का दूसरे क्लास में होगा, तो ये भी ठीक नहीं होगा। इसलिए तो ये खाली हमारा ज्योतिष चक्र का 6 दिशा में 10 दिशा में घूमना उत्सेद की अपेक्षा से, बस यही मुद्दा मैं रखती हूँ आज के क्लास में। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको भी बार बार देखना है। हाँ, ये बहुत महत्व का है। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना मुझे। हाँ, बस बस मस्त समझाएगी, कारण कि ये उतरे छे एटले जा बदलाव छे। आपड़े के नाना एमने एम थोड़ी थी जाइए, बोलो। अने कई वातावरण एमने मिनी जाते बगड़े ना, आटला जे आपड़े कहीए ने कि आटला, अने दादरा ज गणो ने, अने दादरा गणो 64 दादरा माथी धीरे 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 पहला आराथी उतरता उतरता 24 दादरा उतरी गया सूर्य। तो हवे अहीं पृथ्वी ने तो वधारे नजीक आवी गयो के नहीं? तो जेम जेम उतरतो गयो एम तमारी काया बद्दू घटाड़तो गयो, भाव घटाड़तो गयो, बद्दू कल्प वृक्ष विलीन थता गया। समझाय छे ने? बहु ईजी छे ने आ वात, बहु ईजी छे। कारण ज आ छे, भगवान कहे छे के उत्सेद नी अपेक्षा ए मांडला नु पण उत्सेद घटे छे, बराबर? मांडला नो उत्सेद घटी रह्यो छे एटले ज उत्सेद नी अपेक्षा आपणी पण ऊंचाई घटे छे। हा, જેમ જેમ પાછી એના માંડલા ઉપર જતા જશે એમ આપણી ઊંચાઈ ભી વધતી જશે, બરાબર? બરાબર, તો બહુ સરળ છે, બહુ સહેલું છે, સમજાઈ જાય એવું છે। હવે આપણે પાછા કાલે આપણે બાકીનું કરીએ, હા। અને કાલે ક્લાસ તો લઈ જ લઈશ, તમે એકલા ભી આવશો ત્યારે। કારણ શું છે કે મારે એક એક મુદ્દો એક એક વિડીયોમાં રાખવો છે, એટલા માટે। હા 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 ચાલ, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર।